प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवंश सिंह मोहली। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट लिखा मैंने, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन रियल स्टेट बिजनेस। जो रियल स्टेट बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते तो डेफिनेटली वो लोग दूसरे आदमियों के मुकाबले नहीं काम कर सकते जो रियल स्टेट में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला आदमी हमेशा आगे रहता है। सबसे पहले तो जब हमने काम शुरू किया था तो कोई टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, किसी को कागज़ भी भेजने होते थे। सपोज़ मैं मोहाली में बैठा हूँ, मोहाली से राजपुरा 30 किलोमीटर दूर है, यदि चक्कर या तो आप जाना पड़ेगा कागज़ लेके, कोई फ़र्द लेके जाना पड़ेगा, जमाबंदी सात बार जो भी बोलते हैं, या फिर कोरियर के थ्रू, कोरियर भी नहीं होता था, डाकखाने में रजिस्ट्री करानी या और करना, इस तरीके से हम भेजते थे। आज की डेट में क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप कोई भी कोई कागज़ भेजना है उसके अच्छे तरीके से फ़ोटो खींचो, स्कैन कर लो या अच्छे तरीके से स्कैन करके उसको व्हाट्सएप कर दो, उसको मेल कर दो, एक मिनट में पहुंच जाती है। आज भी हमने कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए थे, दूर से राजस्थान से आने थे, एक मिनट में आ गए। तो ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। कई भी मैं अपने कई दोस्तों के साथ अभी भी जब जाते हैं हम फील्ड में निकलते हैं तो कई जो दोस्त हैं प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, और जिनके उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनमें बहुत ज़्यादा वो कई बार पीछे रह जाते हैं। तो अब मैं भी रियल स्टेट एजुकेशन में हूँ, मैं पहले वाइट बोर्ड पर ही काम कर रहा था, वाइट बोर्ड के बाद मेरे को महसूस हुआ कि यार नहीं, मेरे को ये स्मार्ट बोर्ड चाहिए, तो स्मार्ट बोर्ड आ गया। इसमें मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत बदल गया, और जो मेरे पास ट्रेनिंग आते हैं, ट्रेनिंग लेने वाले आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझ आना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें से कोई नक्शा निकालना है, कोई 7-12 निकालनी है, कोई नकल ट्रेस निकालनी है, इसी में से निकाल के दिखा देते हैं, और कोई रोड की पोजीशन दिखानी है वो भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और रियल स्टेट का काम करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ये स्मार्टफोन जरूर ले लो, एंड्रॉयड फ़ोन जरूर ले लो, आईफोन ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन जरूर होना चाहिए। तो मतलब ये पहले तो कॉपी मतलब फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे चली गई, एक मिनट में पहुंच जाती है, आज भी हमारे पास आई है। उसके बाद कोई आपने एडवर्टीजमेंट चलानी है, कुछ और करना है, फेसबुक, इंस्टा और बहुत है, लिंक्डइन, जहाँ मर्जी आप जितने मर्जी प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर आप ऐड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टीजमेंट है ऑन प्रॉपर्टी पोर्टल, जैसे 99 एकड़ हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, OLX हो गया, जहाँ भी है, जहाँ भी आप डालना चाहो उसमें भी आप करके बेटर रिजल्ट ले सकते हो। मैं अपने ऊपर यदि कहूँ, मेरे को भी अभी इसमें टेक्नोलॉजी में मैं उतना यूज़ नहीं कर पाता जितने दूसरे लोग यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की है सीखने की, पर जितना सीखा है अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो बंदे हमारे से ज़्यादा तेज़ हैं, जो मेरे से कम उम्र के हैं, जिन्होंने कंप्यूटर भी काम किया है, कंप्यूटर भी पढ़ाई की है, वो लोग हमें कहीं भी सामने उनके सामने हम नहीं टिकते। तो उसके बाद ये फिर हमने लिखा है कॉन्फ्रेंस कॉल 2007 में मैं जब राजस्थान में काम करता था तो मेरे को वहाँ किसी बंदे के साथ बात करवाई थी, तो हमें समझ नहीं आया कि यार बंदे, तीन बंदे एक उसमें कैसे बात कर सकते हैं, 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे बात हुई। तो ये भी हमने धीरे धीरे सीखा। आज भी मेरे पास देवकी नंदन का फ़ोन आया, देवकी नंदन राजस्थान से, किसी उसने पार्टी से मेरी बात करवानी थी तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करवा दी। देवकी नंदन बहुत कम पढ़ा लिखा प्रॉपर्टी दलाल है लेकिन उसमें समझ बहुत है, सीखने की उसमें जज्बा बहुत है, सीखा उसने, एक एक चीज़ सीख के वो मतलब बहुत लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे आगे निकल गया, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मल डिग्री की तो ज़रूरत होती नहीं, जो कोई रियल स्टेट का काम कर रहा है उसको फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो जिस तरीके से अपना काम आगे लेके जा सकता है, सिर्फ सीखने की उसमें ललक होनी चाहिए, सीखने का उसमें जज्बा होना चाहिए। तो देवकी नंदन में ये जज्बा बहुत भरपूर है। इसके बिना और भी बंदे देखें जो सिर्फ 5, 6, 7, 8 जमातें पढ़े हुए हैं लेकिन सीखने की आदत है, सीख गए। और मैंने ये भी देखा है, मेरी उम्र के जो बंदे हैं, कई बंदे उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा, कोई बिजली का बिल है वो भरने के लिए भी अभी भी जाते हैं वहाँ पर, लाइन में लग के जाके बिल जमा करो कहते हैं। तो ये चीज़ें सीखनी हमें बहुत ज़रूरी हैं, यदि हम ये चीज़ें सीख लेंगे तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ बहुत हो जाएगी और हम ईजी भी हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ये ऑटोकैड लिखा है, ऑटोकैड नक्शे बनाते हैं जिसके साथ, जो कोई आपने नक्शा बनाना जानते हैं। अब ये ऑटोकैड मेरे को नहीं आता,
मेरे बैग में आज भी आपको स्केल मिल जाएगा, पेंसिल मिल जाएगी, रबड़ मिल जाएगी, वो डिलीट का वो सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हर चीज़ मिलेगी। लेकिन मेरे को ऑटोकैड नहीं चलाना था। जिनको ऑटोकैड चलाना था वो बड़ी बड़ी स्पीड से काम कर लेते हैं। तो हमें जितना भी टेक्नोलॉजी में बहुत जल्द आ जाएं, टेक्नोलॉजी सीखने की शुरू कर दें, टेक्नोलॉजी सीख के काम शुरू कर दें, तो हमें इस बात का बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो हमने इन बातों का ध्यान रखना दोस्तों। यदि आप टेक्नोलॉजी में जितना भी आप टाइम दे सकते हो दो, और टाइम देने के बाद जितना भी आप उसको यूज़ कर सकते हो वो आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाओ। थैंक यू।